हेलो फ्रेंड्स, नवीन इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एक बाथरूम है और इस बाथरूम के अंदर में आपको टोटली प्लम्बिंग का वर्क के विषय में आपको जानकारी भी दूंगा, प्लस में करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिटिंग होता है, कटिंग होता है। तो फिलहाल यहाँ पर कटिंग कर लिया हूँ, इसका वीडियो आपको हमने नहीं दिखाया हूँ, लेकिन इसका मेजरमेंट आपको दिखाऊंगा कि कितने हाइट पर नल का पॉइंट देना है, कितने पर कंसील्ड का पॉइंट देना है, कितने हाइट पे आपको शावर का पॉइंट देना है, इसके बाद कितने हाइट पे आपको गीज़र का पॉइंट देना है। तो फिलहाल आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो बाथरूम आप देख रहे हैं, फिलहाल ये यहाँ पे इंडियन टॉयलेट सीट का बना हुआ था, तो ये अभी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पे कमोड का पॉइंट बनेगा। तो इसका भी आपको मैं दिखा पाऊँगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर अगर इस तरह का वर्क हो तो आप कैसे कर सकते हैं। फिलहाल यहीं से एक बैक होल हो के बगल में बाथरूम के अंदर, तो उसमें किस तरीके से पॉइंट जाएगा तो यहीं से जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से एक बाहर में वॉश बेसिन लगेगा, उसका पॉइंट बना हुआ है। प्लस में आपको यहाँ पे दिखाओ फ्रेंड्स, यहीं पे आप ऊपर से एक पानी ऊपर की ओर जाएगा, यानी आपको इसके बाद देखेंगे वहाँ से गीज़र से पानी एक आउट भी होगा और इसके अंदर इन भी करेगा, तो इस दोनों का यहाँ पे पॉइंट लगने वाला है। इसके बाद यहीं से दो पाइप आपको इधर में बगल में इसके अंदर किचन है, तो उस किचन के अंदर भी पॉइंट जाएगा। वो भी चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल इस तरीके से दो पाइप बाहर से निकला हुआ है, इसका कटिंग करके इसके अंदर पाइप फिट करेंगे। वहाँ आप एक होल देख रहे होंगे, वहीं से आपका टंकी का पानी इन करने वाला है और आपको पता यहीं पे एक पॉइंट बनेगा वॉश बेसिन का, तो इसका है। चलिए आपको किचन के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पे सिंक के लिए जगह बना हुआ है, तो फिलहाल आपको बता दूँ ये देखेंगे यहाँ पे सिंक लगेगा और सिंक लगने के जस्ट ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर दो पॉइंट बना, तो यहाँ पर सिंक वाल मिक्सर लगनेगा, तो इसका भी पॉइंट आपको हम नेक्स्ट दिखाए पाएंगे कि इसके अंदर में कैसे कैसे कौन कौन सा पॉइंट फिटिंग करने वाला हूँ। तो चलिए इन सभी का आपको नेक्स्ट फिटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से फिटिंग होगा और इसमें किस तरीके से करना चाहिए। इसके बाद आपको ये दिखा पाऊँ, ये बाथरूम है और इस बाथरूम के अंदर आपने आपको बता पाया कि यहाँ पे एक होल है, एक इंडियन टॉयलेट सीट है, तो फिलहाल यहाँ पे एक नल का पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर एक नल लगने वाला है। बस इसके अंदर इतना ही, बाकी इसके अंदर में टाइल्स वगैरह लगेगा। इसके बाद यहाँ पर एक वॉश बेसिन आएगा यहाँ पे, तो उसका पॉइंट यहाँ पे नीचे पे दिया हूँ, तो इसे यहाँ पे लगभग इसका जो इसकी लगभग यही जो इसका लेवल है आप देख रहे हैं नीचे में, तो इससे हमने इसका 18 इंची पे लिया हूँ इसका ऊपर में। साथ साथ में इधर में आपको दिखा पाओ, ये जो बैक होल हो के यहीं से चला गया है। इसके बाद इसकी जो दूरी होगी, इसकी जो हाइट होगी, वो भी चीज़ आपको मेंशन करके दिखाएंगे कि कितने हाइट पर आगे बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप बने रहे और आपको इस सभी के विषय में आपको ए टू जेड करके दिखाऊंगा, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और किस तरीके से प्लम्बिंग का वर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं। खासकर ये वीडियो उनके लिए है जो सीखना चाहता है और सीख के कुछ आगे लाइफ में आगे कमाना चाहता है, अर्न करना चाहता है, उसके लिए बिल्कुल आप किस तरीके से वर्क करेंगे वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके दिखाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये पहले से ही प्लास्टर वगैरह हो चुका था, बाद में ये चीज़ बन पा रहा है, तो इस पर किस तरीके से झीरी कटिंग है। अगर झीरी कटिंग की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं इसकी गहराई भी लगभग लगभग 1 इंची से ज़्यादा दिया हो, तो आप इस तरीके से झीरी कटिंग, क्योंकि इसके अंदर में टोटली CPVC का ही पाइप फिटिंग होने वाला है, तो इन सभी का फिटिंग करके आपको दिखाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ सामान लगने वाला है वो भी चीज़ मैं आपको ए टू जेड दिखा पाऊँगा और आपको एक लिस्ट भी दे पाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट भी होगा जिसके अंदर आप ये जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सा किसका किसका क्या रेट है, लगभग इसका फिटिंग का रेट मैं आपको उसके अंदर ज़रूर दे पाऊंगा, जिससे आप देख सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं कि इसका मार्केट प्राइस क्या है, तो वो सब आपको करके दिखाऊँगा इन सभी चीज़ों को वर्क करके। तो चलिए आगे नेक्स्ट आपको दिखाते हैं।